ये यहाँ से काम नहीं होता है, ये अंदर से नहीं खुलता है तो बाहर से खुलता है, तो इसका भी सेम प्रॉब्लम है। हम तो लूट गए। अब छोटे घर के लिए जितना भी काम कर हो ना यहाँ पे कर लेता है। तो कैसे यार, तो कैसे यार, स्वागत है आप सभी को हमारे आज के एक और न्यू वीडियो में। तो कैसे यार, आज का वीडियो मैं शुरू कर रहा हूँ मेरे गाड़ी से। तो कैसे यार, मैं आप लोगों को बता दूँ यार, कुछ दिनों से ना गाड़ी का हालत बहुत खराब हो चुका है, तो उसको रिपेयर करने के लिए ले जा रहा हूँ। एंड कैसे ये मैं सोच रहा हूँ ब्लॉग भी बना दूँ आपको, क्योंकि बहुत दिन से मेरा ब्लॉग भी नहीं आ रहा है। तो कैसे यार, ये आज का ब्लॉग कुछ हमारे गाड़ी की रिपेयरिंग के ऊपर होगा, एंड थोड़ा बहुत काम है, मामा जी जा रहा है। तो कैसे यार, अभी मैं बता दूँ आपको कि क्या क्या काम करना है। तो कैसे नॉर्मली आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो हैंडल, मतलब ये सब है ना, मतलब ये टूटा हुआ है। तो कैसे आप तो देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो ये टोटली टूट चुका है, मतलब यहाँ का जो है ना ये यहाँ से काम नहीं होता है, ये अंदर से नहीं खुलता है तो बाहर से खुलता है, तो इसका भी सेम प्रॉब्लम है। इसका भी सेम प्रॉब्लम है, तो अभी इन सबको हम ठीक करेंगे। तो वैसे यार नॉर्मली बहुत कुछ काम करना है कार के अंदर का भी। और ये रहा मामा जी आ चुका है, तो अभी हम मिलते हैं आप लोगों को। एंड मैंने कुछ दिन पहले ब्रॉडबैंड के लिए अप्लाई किया था, तो वैसे यार वो अभी आज जाके मेरा आईडी अप्रूव हुआ है। तो वैसे यार आईडी भी आ चुका है, एंड फाइनली घर पे भी मतलब मेरा जो ब्रॉडबैंड का नेटवर्क इंटरनेट कनेक्शन है वो भी मिल जाएगा। नहीं तो यार वीडियो अपलोड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, बट यार नॉर्मली अभी रोज़ वीडियो आएगा शायद, मुझे जैसा लगता है कि अगर कनेक्शन अच्छे से हो गया तो यार अच्छा स्पीड मिला तो चलते रहेंगे। और क्या मामा का खुशखबरी, मतलब वो वाला बच्चा वाला नहीं, ब्रॉडबैंड का खुशखबरी है जो बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था, बट आज फाइनली मिल चुका है। करना अच्छे से हम लोग, हम भी आगे बढ़े। और कैसे अगर फाइनली आज मेरा गाड़ी का काम हो गया, तो कैसे यार बहुत जल्दी हम इस गाड़ी को लेके ट्रिप पे जाएंगे। हम जो हमारा सामने ईद आ रहा है, तो कैसे ईद के टाइम हमने सोचा कि कहीं और जाएंगे घूमने के लिए, तो ये जाएगा मेरे साथ, दो चार गाड़ी और जाएगा। तो कैसे यार इसलिए इसे रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, एंड इसका बहुत सारे काम है। कैसे यार मुझे लगता है कि एक दिन में ये कम्प्लीट नहीं होगा, बट कोई ना यार धीरे धीरे कर लेंगे, एक दो तीन दिन जितना दिन लगे हो जाएंगे यार कर लेंगे। आप लोगों से ग्रेस में दिखाते हैं इसका कितना काम बाकी है या फिर कितने दिन में ये कंप्लीट होता है। मैं मामा जी को बोल रहा हूँ कि मेरे ब्लॉग चैनल में कुछ बोल दो, लेकिन मामा क्या बोले पता है कि कोई मतलब वो क्या बोलेगा, वो सोच रहा है, सोच रहा है। चलो यार सोचना तो एक डेढ़ घंटा सोचने में लग जाएगा, फिर दो तीन मिनट का एक वीडियो बना देगा, बहुत बढ़िया, हमारे भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो चलो यार मिलते हैं दो चार सिनेमेटिक शूट के साथ। अगर मोबाइल हाथ से गिर गया तो क्या 25,000 मतलब हम लोग ईद पे घूमने के लिए जाएंगे, तो कोशिश करेंगे कुछ ड्रोन शॉट देने के लिए आप लोगों को, तो व्यू भी अच्छा लगेगा, जहाँ पे जा रहे हैं अच्छा व्यू है आप लोग का। गाइस इस बार का प्लानिंग बहुत तगड़ा चल रहा है, क्योंकि इस बार गैंग बहुत बड़ा होने वाला है, हमारे बहुत सारे बॉयज लोग जा रहे हैं। सच में इस बार जो मेरे ख्याल से ईद का ब्लॉग आएगा ना, वो एकदम बहुत ही ज़्यादा दमदार ब्लॉग आएगा। बट कोई ना यार मिलते हैं आप लोगों से इतने दिन बाद। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं गुसाईगांव, गुसाईगांव में हम गाड़ी का काम करेंगे। और मामा जी को मैंने घर से उठा के लाया, खाना वाना खा रहा था, बट कोई ना यार ये अपना मामा जी गाड़ी चला रहे हैं अभी। चलो चलो मामा जी को मैंने ब्लॉग करने के लिए दिया, आज मेरा पूरा ब्लॉग मामा जी करेगा, मामा जी भी करेगा आज। देखिएगा आज का वेदर ही कुछ अलग किस्म का है। तो यार फाइनली हम लोग यहाँ पे गुसाईगांव अभी पहुँच चुके हैं। बस यहाँ से लेफ्ट टर्न लेंगे या फिर सीधा जाएंगे, मैं एक बार भैया को कॉल कर लेता हूँ एक्चुअली हमें जाना कहाँ है। हम यहाँ पे गैरेज में पहुँच चुके हैं, एंड कैसे ये रहा वो गैरेज यहाँ पे, मतलब छोटे घर के लिए जितना भी काम कर हो ना यहाँ पे कर लेता है। तो कैसे यार मैंने यहाँ पे, शायद मेरा ये फर्स्ट टाइम है क्योंकि मैं पहले कभी यहाँ पे आया नहीं, एक जाना पहचाना इंसान है उससे बात करके फिर करवाते हैं यहाँ पे काम वाम। यार गाड़ी देखा मैकेनिक, देखने के बाद बोल रहे कि यहाँ पे कुछ भी काम नहीं होगा, मतलब इसको शोरूम लेके जाना पड़ेगा। तो वैसे मैंने सोचा कि नॉर्मली कुछ काम होगा तो यहाँ पे निपटा लेंगे, बट अभी मुझे लगता है शोरूम जाना पड़ेगा, तो बोईगांव जाएंगे या फिर वेस्ट बंगाल में कहीं पे जाएंगे कि कर ले डिस्काउंट विस्काउंट इसमें मिल जाए, तो नहीं तो बोईगांव जाके करना पड़ेगा। एंड कोई ना यार तब तक दो दिन के लिए ऐसे गाड़ी ऐसे घुमाते रहेंगे, एंड उसके बाद शोरूम में जाएंगे तो आप लोगों को दिखा देंगे कितना कैसे एक्चुअली मतलब गाड़ी में कितना नुकसान हुआ है वो सब दिखाने की कोशिश करेंगे। बट यार कोई ना आज के लिए इतना ही, गुसाईगांव घूम के घर जाते हैं।
भाई कहाँ भाग रहा है? ओए ओए फुसका खिला कह, कहाँ भाग रहा है? बुला के फुसका नहीं खिलाएगा? ओए कहाँ है रे? बुला के फुसका नहीं खिलाएगा? तो आया हम तो लूट गए। कितने का ऑर्डर दे रहा है बोल?